नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं कविता सिंह और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल के जगत प्रकाश नड्डा बने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2022 तक निभाएंगे जिम्मेदारी। नड्डा की ताजपोशी पर हिमाचल से लेकर दिल्ली तक नाटियों का दौर। परीक्षा पर चर्चा में शामिल हुआ हिमाचल, पीएम ने बताया टेंशन फ्री स्टडी मंत्रा। मां बज्रेश्वरी के मक्खन से गले का कैंसर दूर, गुड़गांव के श्रद्धालु का दावा। हिमाचल में अभी भी 99 सड़कें अवरुद्ध, लोक निर्माण विभाग को लगी 129 करोड़ की चपत। और धर्मशाला में रणजी का रोमांच, हिमाचल के 5 बल्लेबाजों ने जड़े 50। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य जगत प्रकाश नड्डा सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। सर्वसम्मति से पार्टी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। ये पहला मौका है कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य से विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो, जो हिमाचल के लिए भी गौरव की बात है। नड्डा की ताजपोशी में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, समस्त मंत्रिमंडलगण और बड़ी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित रहे। भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में भाजपा प्रतिनिधि मंडल, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा की गई, उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा का एक नामांकन पत्र भरा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश मंत्री मंडल के सदस्य और भाजपा प्रदेश के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और पदाधिकारी गण ने भी हस्ताक्षर किए। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव के अंतर्गत पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी राधा मोहन सिंह ने जेपी नड्डा को वर्ष 2019 से 2022 तीन साल के लिए निर्विरोध भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। प्रदेश भाजपा के लिए 20 जनवरी 2020 का दिन बड़ा सौभाग्यशाली रहा, जब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के बॉस की कमान जगत प्रकाश नड्डा को सौंपी गई। हालांकि ये पहले से ही तय था कि जेपी नड्डा को ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा जाना है। इसके मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनके सहयोगी मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित हजारों कार्यकर्ता उनकी ताजपोशी के लिए रविवार को ही दिल्ली पहुँच गए। सोमवार को नामांकन प्रक्रिया से पहले और राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने तक दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नाटियों का दौर चलता रहा। ऐसा ही माहौल हिमाचल के कोने कोने में भी देखने को मिला। तो जीवन के हर क्षेत्र में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब आज जो मेरे 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं, वे उस समय देश में लीडरशिप की पोजीशन में होंगे। बच्चे तनाव में बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें और पेरेंट्स अपने बच्चों को छात्र जीवन में हमेशा प्रेरित करें। अभिभावकों का प्रोत्साहन छात्र जीवन में सबसे बड़ा सहारा होता है। कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के छात्रों को संबोधित किया। पीएम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से पूरे देश में लाइव हाजिर हुए। कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रदेश भर के स्कूली छात्रों ने उन्हें सुना। हमको ये सीखने को मिला कि अब हमारे जैसे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो हमें टाइम निकालना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली, मतलब हमको स्टडी करनी चाहिए और हमें ज़्यादा अपने मतलब बर्डन नहीं लेना चाहिए। जैसे हमारे को ना बहुत स्ट्रेस हो जाता है पेपर को लेके, मम्मी डैडी भी ज़्यादा बोलते हैं कि अच्छे नंबर आने चाहिए। फिर ये जो ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे साथ ऐसे बातचीत करते हैं, हमारे स्ट्रेस से रिलीव होते हैं, तो मेरा मानना तो है कि बहुत अच्छी पहल की है। तो हाँ, उन्होंने हमारे लिए, बच्चों के लिए किया है। बच्चे इससे अवेयर होंगे बहुत ज़्यादा, उनको पता लगेगा कि क्या लाइफ में करना चाहिए और हमें अपनी पढ़ाई पे कितना और ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। ये हमारे को इस चीज़ में भी हेल्प करेगा कि हमें अपना स्ट्रेस कैसे दूर रखकर हमें ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करना है। हिमाचल के कई सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों को लाइव भाषण सुनाने के लिए बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गयी थी। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बज्रेश्वरी पर चढ़ाए गए घृत से एक व्यक्ति के गले का कैंसर ठीक हो गया, यह दावा यहां हरियाणा के गुड़गांव से पहुंचे श्रद्धालु ने किया। उसने बताया कि वह लंबे अरसे से गले के कैंसर से जूझ रहा था,
उसने इलाज के लिए देश के सभी कैंसर अस्पताल छान मारे। वह एक दिन जब माँ बज्रेश्वरी कांगड़ा धाम माथा टेकने पहुँचा तो पुजारियों को उसने अपनी समस्या बताई। पुजारियों ने श्रद्धालु को घृत मंडल से उतारा गया मक्खन गले में मालिश करने को दिया। श्रद्धालु का दावा है कि इस मक्खन ने चमत्कार का काम किया और कैंसर कुछ ही दिनों में छूमंतर हो गया। सोमवार को माँ बज्रेश्वरी पहुँचे इस श्रद्धालु से मिलने वालों का तांता लगा रहा। ज्येष्ठ अभी का केस है, करीबन 3 महीने पहले इनके भांजे हैं, उनका डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई लाश स्टेज पे है। ये लोग आए, मैंने कि एक बार मेरे पास भाई लेके आओ उसको। लाने के बाद में उसको घी लगाया, घी लगाने के बाद में माता जी की कृपा से अब वो लड़का काफ़ी ठीक है, करीबन 70-80% वो ठीक हो गया। किस स्टेज? आज ही माँ के पिंडे से घृत मंडल को उतारा गया है और हजारों श्रद्धालुओं को इस मक्खन को प्रसाद के रूप में बांटा गया। प्रसाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हिमाचल में जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा है। बर्फबारी से अभी भी 99 सड़कें बंद पड़ी हैं। शिमला जोन में अभी भी 47 सड़कें यातायात के लिए ठप हैं। शिमला जोन के रामपुर सर्किल में 39, रोहडू में 5 और शिमला सर्किल में 3 सड़कों पर आवाजाही थमी हुई है। मंडी जोन में 35, कांगड़ा जोन में 16 मार्ग यातायात के लिए ठप पड़े हुए हैं। वहीं 16 सड़कें डलहौजी सर्किल में बंद हैं। सड़कों के अवरुद्ध होने से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पीडब्ल्यूडी दावा कर रहा है कि 99 बंद सड़कों में से सोमवार देर शाम तक 30 सड़कें बहाल हो जाएंगी, 36 सड़कें मंगलवार शाम तक और शेष सड़कें 21 जनवरी तक वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दी जाएंगी। गौर रहे कि इस मौसम में लोक निर्माण विभाग को 129 करोड़ की चपत लगी है। सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा जोन में हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से आगामी 2 दिनों तक मौसम फिर बिगड़ेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश बर्फबारी होने की संभावना जताई है। 22 जनवरी को भी 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है, जबकि 23 से 26 जनवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा। सोमवार को दिन की शुरुआत आसमान में बादलों के साथ हुई, जिससे ठंड का एहसास हुआ। हालांकि 11:30 बजे के बाद धूप खिली, मगर शाम को फिर बादल घिराए। राज्य में अभी भी सुबह व शाम के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल्पा, केलोंग, मनाली, कुफरी का न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। डलहौजी का तापमान 0 डिग्री में चल रहा है। सोलन, शिमला, धर्मशाला, भुंतर व सुंदरनगर में भी सुबह व शाम के समय कड़ाके की ठंड है। कुल्लू पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में चरस तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि रविवार रात्रि पीएस भुंतर की एक टीम ने कुल्लू से दिल्ली जा रही एक वोल्वो बस को चेकिंग के लिए रोका तो उसमें सवार एक विदेशी नागरिक के कब्जे से 1 किलो 263 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसकी पहचान 38 वर्षीय इग्नातेव रूस के रूप में हुई है। वहीं दूसरे मामले में जरी पुलिस चौकी की टीम ने जैल नाला के पास पैदल आ रहे एक व्यक्ति को तलाशी के लिए रोका तो उसके कब्जे से 1 किलो 25 ग्राम चरस बरामद की गई। और अब खेल समाचार। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में हिमाचल ने बड़ौदा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दूसरे दिन पहली पारी में 496 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है। सोमवार को 314 रन से आगे खेलते हुए मेजबानों ने स्कोर 500 के करीब पहुंचा दिया। वहीं दिन का खेल खत्म होने तक बड़ौदा को प्रदेश के गेंदबाजों ने 2 झटके भी दे दिए। मेहमानों ने 2 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना लिए थे। हालांकि टीम अभी भी 346 रन पीछे है। वहीं इससे पहले हिमाचल के लिए 5 बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े, जिनमें वशिष्ठ ने 86, अमित कुमार ने 80, अंकुश बैंस ने नाबाद 75, निखिल गंगटा ने 66 और प्रशांत चोपड़ा ने 56 रन की पारी खेली। और अब चलते चलते पठियार के मेजर संदीप कुमार को विशिष्ट सेवा मेडल, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। टीजीटी मेडिकल टेट परिणाम में 95% कैंडिडेट फेल, आर्ट्स में भी 13% ने टेके घुटने। उधार के मुलाजिम खींच रहे HPTU की गाड़ी, यूनिवर्सिटी में मात्र 25 कर्मचारी ही रेगुलर। और होटल एसोसिएशन मकलोडगंज 27 फरवरी से करेगी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का आयोजन। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं हरिचंद और यशपाल चौहान की आवाज में यह पेशकश। जाने दे उन्हें।
पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।